एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अलग सा होने वाला है, क्योंकि आज मैं शूट कर रही हूँ गेट रेडी विद मी। मैं कैसे तैयार होती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, और क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस पे रेडी होने के लिए यूज करूंगी वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। छोटा मोटा सा मेकअप मेरा, तो ये मेरा पहला गेट रेडी विद मी है। तो अच्छे से भर भर के सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉटन पैड लेकर और गुलाब जल से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नहाया था, तो मैं और डोंट माइंड, मैं आज स्क्रीन को ही मिरर बनाने वाली हूँ, तो मैं बार बार कैमरे पे ना देखकर स्क्रीन पे देखूंगी, ठीक है जी। तो मैंने क्लीन कर लिया है अपना फेस रोज वाटर के साथ। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको ड्राई होने दूंगी मैं, टोनर का काम भी करेगा ये आपके फेस पे और क्लीन भी कर देगा आपके फेस को, सुखा लूंगी इसको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी फेस पे वो है ये एलोवेरा जेल, थोड़ा सा अमाउंट में, बहुत ज़रा सा, क्योंकि अभी हम सनस्क्रीन लगाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाऊंगी मैं, बस इतने से अमाउंट में मैंने ये एलोवेरा जेल लिया है, थोड़ा सा अमाउंट, और इसको एज अ प्राइमर मैं अप्लाई करूँगी। और आपकी स्किन में ना जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे वो हार्म नहीं पहुँचाएगा मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए एलोवेरा जेल मैं लगा लेती हूँ मेकअप करने से पहले, ताकि एक अच्छी चीज़ फेस पर पहले लग जाए, उसके बाद वैसे तो मेकअप लगा, उसके बाद मेकअप लगाओ तो आपका जो मेकअप है वो आपके फेस को ख़राब ना करे, ठीक है। कभी भी क्योंकि आप फेस पे लगाते हैं तो नेक को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि बहुत अलग लगता है फिर फेस, एंड फेस की जब भी केयर करते हैं तो नेक को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है जी। तो फिर मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्स की सन्स प्रोटेक्ट नॉन ऑयली सनस्क्रीन। तो मैं ये पहले भी दिखा चुकी हूँ, और मैं अभी ये SPF 50 है, और बहुत अच्छी सनस्क्रीन मुझे ये लगी है, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा अमाउंट में ये ले लूँगी, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि इस समय गर्मी है तो बहुत स्वेट हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी, देखो कुछ नहीं थोड़ा सा। ये सनस्क्रीन आपके ना फेस पे ग्लो प्रोवाइड करता है नेचुरली। और अभी पता है सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं ये सुबह सुबह शूट कर रही हूँ वीडियो। सनस्क्रीन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा वक्त दीजिए इसको, और इसको लगाने के बाद सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा जो भी क्रीम है या जो भी आपको लगाना है फाउंडेशन एंड ऑल दैट। मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये लैक्मे का 925 CC कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। ये मेरा जो शेड है इसमें वो है बेज, तो इसमें एक ब्रॉन्ज शेड आता है और एक और शेड आता है थोड़ी डस्की स्किन के लिए। मेरा जो शेड है वो है बेज, और ये SPF 30 के साथ आती है, एंड अमेज़ॉन पे ना अभी ये बहुत सस्ती है, मतलब मैंने तो ये सिर्फ लगभग 350 और 300 के आसपास ख़रीदी थी, मेरे लोकल मार्केट से, यहीं से मेडिकल स्टोर से ख़रीदी थी मैंने ये, और अमेज़ॉन पे ये सिर्फ 211 रुपये में मिल रही है। मैंने सुबह ही चेक किया था, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत अच्छी क्रीम है, मतलब बहुत ही लाइट है, SPF 30 के साथ है, और स्किन को हार्म भी नहीं करती है,
जहाँ तक मैं इसको यूज़ करती रही हूँ, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने क्रीम मैंने खाली कर दिए, तो मेरा ये कम से कम नहीं तो 10वां तो क्रीम होगा। मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं इसी को यूज़ करती हूँ, कोई भी फाउंडेशन मैं नहीं लगाती। तो 2 मिनट हो गए हैं बात करते करते, अब जो है मैं ये क्रीम अप्लाई करूँगी और मैं अपने हाथों की मदद से ही क्रीम को अप्लाई करूँगी। पहले मैं यहाँ निकाल दी उसको, ठीक है, दवा लिया क्या? हाँ दवा लिया मैंने, कोई कर रही हूँ मैं डॉट 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 करके, दिवाली दुनिया लग रही हूँ। कंसीलर नहीं यूज़ करती मैं, तो मैं इसी क्रीम को एज अ कंसीलर भी लगा लेती हूँ अंडर आई या पे और हर जगह, ठीक है, नेक को भी नहीं भूला है जैसे कि आपको बताया मैंने। अब मैं बताओ कैसी लग रही हूँ। ओके, तो मैं इसको हाथों की मदद से ही ब्लेंड करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं आप। अच्छा ये आपकी स्किन को ना एक टोन लाइटर बना देता है। हाँ कबाड़ी वाला सब आ जाओ, कल तो मैं इतना परेशान हो गई वीडियो बनाते में, और कभी गोलगप्पे वाला, कभी क्या कहते हैं हलवे पराठे वाला। कल रात को मैंने वीडियो शूट किए थे 2, और आज मॉर्निंग में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करिए अच्छे से, ईयर में लगा लीजिए थोड़ा सा, अच्छे से सारी तरफ लग कीजिए ताकि इवन लगे आपका फेस। और अभी एक काम जो करना है, अब जो एक बार आपने जो एक्सेस थोड़ी सी क्रीम आपके फेस पे लग रही हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, उसको मैं हटा लेती हूँ इससे, टॉवल से थोड़ा टैप टैप करके हटाऊँगी ताकि सारा प्रोडक्ट ना हट जाए, ठीक है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा ना दिखे फेस पे ना किसी को, कोई पकड़ ले कि वो आपने वाली क्रीम लगाई है, अच्छा तो वो नहीं दिखाना है किसी को, इसलिए थोड़ा जो भी एक्सेस है यहाँ पर रह जाता है, अक्सर एक्सेस जो होता है यहाँ, तो यहाँ पर अच्छे से टैप टैप करके थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए फेस को। एंड मेकअप बिना पंखे के करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत चैलेंज चैलेंज भी हो गया मेरे लिए एक, क्योंकि फैन ऑफ करके मेकअप यार नहीं होता, और मैंने फैन अगर चलाया तो बवंडर आ जाएगा यहाँ, मतलब इतना आवाज़ करता है मेरा फैन, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि क्रीम लगाने के बाद मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन करती हूँ। मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आईब्रोज फिल नहीं करती, आईब्रोज को फिल करना मुझे नहीं पसंद, पता नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है फ्यूचर में करूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मेकअप करूँ फ्यूचर में, अभी इतना ज़्यादा नहीं करती इसलिए मैं आईब्रोज फिल करने का मुझे नहीं लगता अभी तक। बट पता नहीं क्यों आईब्रो फिल करके ना मुझे ऐसा लगता है कि चेहरे पे आपने कुछ पेंसिल से डिज़ाइन बना दिया, चेहरा कोई नकली चेहरा है, ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई। तो फिर मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूँ आईब्रोज को, ताकि जो क्रीम है मैंने जो लैक्मे की क्रीम लगाई, या आप कोई भी फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो वो आपकी आईब्रोज पे से हट जाए और वो एकदम ब्लैक, जो नेचुरल कलर ब्लैक है वो ही कलर दिखे। तो मैं ऐसे करके इसको क्लीन कर लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मेरा कॉम्पैक्ट, ये मेबिलिन का, मेबिलिन न्यूयॉर्क का मेरा बहुत पुराना कॉम्पैक्ट है। तो मैं एक ऐसे ब्रश की मदद से इसमें से ये लेती हूँ थोड़ा सा डस्ट करके, गर्मी है तो लगा लो आप, अगर सर्दी है ना तो मैं नहीं लगाती हूँ, ये वाला जो स्टेप है ये मैं स्किप कर देती हूँ सर्दियों में, क्योंकि फिर ग्लो नहीं रहता स्किन पे ना, थोड़ी सी मैट फिनिश दे देती है। ये कबाड़ी वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आपके जो ये एरिया होते हैं जैसे कि नोज हो गया, अपर लिप्स के पास, और यहाँ पे आपको पाउडर लगाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना हमें पसीना ज़्यादा आता है, मुझे नहीं पता आपको आता ही नहीं आता, बट मुझे बहुत आता है, तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, एंड अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो है मेरी लिपस्टिक, बट मैं लिपस्टिक नहीं लगाने वाली हूँ अभी, मैं इसको एज अ हल्का सा आई शेडो,
एंड ब्लश के लिए मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी। बस मैं इसको ऐसे लूँगी फिंगर्स पे, बहुत ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा अमाउंट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, जोकर नहीं बनना है हमें। क्रीज पे मैं इसको, क्रीज तक मैं इसको लगा रही हूँ ताकि एक आईज को अच्छी सी शेप मिल जाए। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस देखो। अब मैं इसमें भी लगा, 3D इफेक्ट टाइप का मिल जाता है आईज को, पता नहीं क्या कहते हैं, बट मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप तो आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट जितना मुझसे आता है उतना मैं बता रही हूँ। पता नहीं इस वाली आँख में सुबह से मुझे कुछ चुभ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार, और मुझे वीडियो भी शूट करना था। ठीक है, तो मैंने फिंगर की हेल्प से ही ये अप्लाई कर लिया है मेरी आईलिट पे। तो इसको लगाने के बाद मैं इसी लिपस्टिक से चीक्स पे हल्का सा जो है ब्लश लगाऊंगी इस तरह से करके। मैंने इस लिपस्टिक की ना शेप ख़राब कर दी है यही कर करके। मैं इसको ऐसे लगाऊंगी और इसी से हल्का सा ब्लश लगा लूंगी। एंड ब्लश भी हमारा अप्लाई हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, मतलब वो लाल वाले लाल लाल गाल नहीं कर लेने, ओवर लगता है। तो ये हमारा ब्लश हो गया है रेडी। ब्लेंडिंग जो है वो अच्छे से करनी है, बस आईलिट पे भी जो लगाया है और यहाँ पे भी जो लगाया है मैंने, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। अभी लिपस्टिक मैं एंड में लगाऊंगी, यही सेम लिपस्टिक। हाँ, मैं एक मिनट में पसीना सुखा के आती हूँ। एंड मैंने थोड़ा सा पसीना सुखा लिया, अब पसीना आएगा तो फिर मेकअप नहीं हो पाएगा ना, मतलब मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो मुझे फ़ैन ऑन ऑफ करना ही पड़ेगा वरना मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। ब्लश लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए ये वाला, ये स्टिक हाइलाइटर है पिंक कलर का और बहुत ही न्यूड है, पता भी नहीं चलता जब आप लगाते हो ना, तो इस तरह का इसका टेक्सचर है। लगा के मैंने, ये लग गया है यहाँ पे, बट बिल्कुल भी नहीं दिखता, बट एक हल्की सी शीन छोड़ जाता है आपके चीक्स पर जब आप मुस्कुराते हैं, तो फिर शाइन, देखिए अभी मैंने नहीं लगाया है बट एक शाइन जब ये प्रोवाइड करता है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ब्लश लगाने के बाद ये दिख जितना पिंक रहा है उतना पिंक नहीं आएगा फेस पे, बहुत ही लाइट होता है। मैं इसको सिर्फ टैप टैप करके इस तरह से अपने चीक बोन्स पे, केवल चीक बोन्स पे लगाऊंगी, पूरे चीक्स पे नहीं लगाऊंगी, लिटिल बिट ऑफ नोज टिप पे बस। एंड जितना भी प्रोडक्ट आपने लगाया है उसको आपने करना है ब्लेंड, बस इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हार्श आपके फेस पे जो है नहीं दिखे, बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना, वरना कोई टोक देगा ना क्या हो आज तो मेकअप किया है, तो फिर बहुत गुस्सा आता है सोच के। आपको लोग ऐसा कॉम्प्लीमेंट दें कि हाँ नेचुरल ब्यूटी, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। कुछ भी ज़्यादा हार्श नहीं लगे आपके फेस पे, इसलिए आपको कर लेना है अच्छे से ब्लेंड। मैं एक बार चेक कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। एंड अब मैं लगाऊंगी मेरा आई शेडो, बहुत ही मैंने वैसे तो लगा लिया उससे, मतलब मैंने क्रीज लाइन बनाई अपने लिपस्टिक से थोड़ी सी। अब आप देखिए ये हुदा पैलेट का, हुदा ब्यूटी का मैं ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और ये पैलेट मैं लेकर आई थी आज से लगभग 1.5 साल पहले, एंड आप देखिए कि मैं इसका कितना यूज़ करती हूँ। देखो सारे कलर जो हैं वो एकदम ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत गिरा होगा तो ये यहाँ पे लग गया है ऐसे, बट मैं जो कलर यूज़ करती हूँ इसमें से वो ये वाला शेड है, तो बहुत न्यूड है, दिखता नहीं है, तो मैं ये वाला देखो कितना खाली हो गया है। एंड कभी कभी ये वाला गोल्ड वाला यूज़ कर लेती हूँ, बाकी जो सारे शेड है ना वो, और ये वाला, ये और ये मैं यूज़ करती हूँ, तीन शेड, बाकी तो सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मैं जो लगाने वाली हूँ वो है ये वाला न्यूड शेड,
ये वाला न्यूड शेड, और मैं इसको फिंगर की हेल्प से ही लगाऊंगी। और इसका पिगमेंटेशन देखो, ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ है। बहुत ही न्यूड शेड है और मुझे ये बहुत पसंद है। बस मैं ऐसे टैब टैब करके लगाऊंगी इसको, ऐसे नहीं करूंगी, टैब टैब करके लगाऊंगी दोनों पे। और आपकी आईलिड चमक उठती है, चमक, ठीक है। तो बस ऐसे ही टैप टैप करके लगाऊंगी मैं यहाँ पे इसको फिंगर की हेल्प से। कोई ब्रशेज यूज़ ही नहीं करती मैं ज़्यादा, मेरे पास ब्रशेज रखे हैं वहाँ, बट मैं यूज़ नहीं करती ब्रशेज का। और इसमें क्या ब्रश यूज़ करना, ठीक है जी। तो मैंने ये लगा लिया, हाँ ठीक है जी, सदा बोलती है ऐसे, उसको याद आ गई मुझे, ठीक है जी। तो मैंने लगा लिया है और मुझे फिर से गर्मी लग रही है। और फिर जल्दी से जो है मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी, कर्ल। और ये बड़ा ख़तरनाक काम है, तो मैं वहाँ नहीं, यहाँ देख कर करूँगी। पता चला मैंने कुछ, देखिए इस तरह से बड़ी केयरफुली इसका यूज़ करना है। इससे आपकी जो आईज है ना, अब इसको देखिए ऐसे पुश पुश करके थोड़ा सा ऐसे 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 करना है। आपकी जो आईज है ना वो बहुत ओपन अप लगती हैं जब आईलैश कर्लर लगाने के बाद आप जो है, ये क्या लग गया, आईलैश कर्लर लगाने के बाद आप अपना मस्कारा जब यूज़ करते हैं, बड़ा रिस्की काम है ये, बट अच्छा लगता है। और लड़कियों को गारंटी की इच्छा ना करें ना फैशन में, बस इतने ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। पता चला मेरी आँख ख़राब हो गई, ठीक है। तो अब मैं यूज़ करूँगी मस्कारा। तो ये मेरा लोकल मार्केट का ही ऐसी मस्कारा है, एंड ये मस्कारा मुझे पता नहीं इतना क्यों पसंद है। तो मैं इसकी कम से कम ये चौथी बॉटल है मेरी, और मैं यही वाला मस्कारा लगा लेती हूँ। मैं इसी में देख कर लगाती हूँ यार। एंड ये जो है यही वाला मस्कारा पहले ऊपर की तरफ लगाऊंगी, फिर ऐसे अंदर की तरफ से मस्कारे को ऐसे रोल करते हुए, ऐसे करते हुए घुमाते हुए ऊपर की तरफ। मस्कारा तो मेन है, मस्कारा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में, क्योंकि सिर्फ मस्कारा लगा लेती हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी आँखें ओपन अप हो जाती है, मेरी आँखें थोड़ी छोटी हैं जब मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। आप डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है ना, मेरी आँखें ये वाली थोड़ी सी बड़ी लगने लगी ना, ये छोटी लग रही है। मस्कारा खोल देता है आपकी आँखों को ऐसे मस्कारा लगाते हुए किस किस की आँखें, आँखें नहीं मुँह ऐसा हो जाता है ऐसे, पता नहीं क्या मुँह में लगा रहे होते हैं हम, पता नहीं कहाँ, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर देना प्लीज, लाइक करके ही जाना। जब आपको आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी चाहिए तो फिर आप मस्कारे की दो लेयर कोड लगाइए, तीन कोड लगाइए, जितना मर्जी लगाइए, जितना लगाना चाहते हैं, पर ज्यादा मत लगाइए फिर वो खराब लगने लगता है। दो से तीन कोड लगा सकते हैं आप, बस इससे ज्यादा नहीं। नीचे वाली लशेस पे मैं नहीं लगाती मस्कारा, बट यहाँ लग गया थोड़ा सा, मुझे पसीना भी आ रहा है। तो मस्कारा भी हमारा लग गया है, मस्कारा लग गया हमारा। अब अगर आपको और भी ओपन अप चाहिए आपकी आईज, तो आप क्या करें कि आईज को, आपकी लशेस को ऐसे करके मस्कारे की थोड़ी देर बाद, जब तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, 50% तक ड्राई हो गया है मेरा मस्कारा, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दूँगी ताकि जो मेरी लैशेस हैं वो और बड़ी बड़ी सी दिखें, जो कि है नहीं ऐसे ऐसे कर लूँगी, मेरी आँखें बहुत छोटी हैं इसलिए मस्कारा मुझे बहुत पसंद है लगाना, ताकि मेरी आँखें बड़ी बड़ी लगें, है ना। ऐसे कर लेंगे। और एक और टिप दूँ मैं गाइस, आप जब मेकअप कर लेते हैं ना, मेकअप करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए एकदम सोप से, क्योंकि हाथों पे क्या कहते हैं, क्रीम आपकी, हाइलाइटर, मस्कारा, ये वो सब लग जाता है ना, तो फिर गंदा लगता है वो। तो मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं लाइनर बहुत ही रेयर लगाती हूँ, मुझे लाइनर इतना नहीं पसंद,
जैसे मैंने बोला ना कि आईब्रो पे जब मैं फिल नहीं करती आईब्रो, उससे मुझे थोड़ा सा चेहरा बना बना सा लगता है, जैसे ड्राइंग कर दी हो किसी ने, ऐसे मुझे लाइनर से भी लगता है कभी कभी। बट बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाके का कोई फेस्टिवल है, मतलब कोई शादी ब्याह है किसी का, तो मैं लगा लेती हूँ। फिर ऐसा लगता है कि कंपल्सरी लगा लो भाई, वरना एंट्री नहीं होगी। तो अब मैं ऑलमोस्ट सब डन हो गया है मेरा, यही मेकअप मैं करती हूँ, और अब मैं लगा लूँगी लिपस्टिक, और मैं लिपस्टिक यही वाली लिपस्टिक लगाऊंगी। इसका ना मैं लिंक दे दूंगी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये वाली लिपस्टिक तो ऑनलाइन मुझे मिल गई थी, तो मैंने ली थी, याद आ गया। ये है फेसेस की लिपस्टिक, और इसका शेड है 18 18, इसका शेड है, और ये फेसेस की लिपस्टिक है, और बड़ी अच्छी लिपस्टिक है। और अब मैं लिपस्टिक जो है एक ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी, ऐसे करके नहीं लगाऊंगी लिपस्टिक। पहले मैं जो है एक क्या बोलते हैं, लिप लाइनर का जैसे लगा लूंगी, लिप लाइनर की तरह। ब्रश से ना आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, और हाइजीन भी रहता है। फिर चाहे ऐसे कर लो, इसके बिना तो लड़कियां नहीं रह सकती ना, ऐसे करें किए बिना। लिप को मैं कोई शेड नहीं देती, शेप शेड नहीं, शेप नहीं देती जैसे है। और अगर डार्क लग रही है, जैसे मुझे अब लग रही है डार्क, कैमरे में ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे, मेकअप उतना डार्क नहीं है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा इसको मुझे हाथों की हेल्प से। ऐसा मर्ज कर लीजिए थोड़ा सा हाथ से, तो आपका आपकी इस तरह से लिपस्टिक लगाएंगे ना, तो आपका लिपस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा लिप्स पे, उतना ही लगेगा वो जितना लड़कियों को चाहिए होता है न्यूड शेड बस। तो ये है मेरा मेकअप, और मैं एकदम से रेडी होके मिलती हूँ, एंड आई एम रेडी। तो मैंने लिया है यहाँ पे पिंक कलर का दुपट्टा, और ये ब्यूटीफुल से इयररिंग्स जो कि मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाए हैं ऑनलाइन। इसकी पिक्चर मिलेगी तो मैं दे दूंगी, और इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये कई कलर में अवेलेबल है, जैसे कि रेड, ब्लू और भी वाइट है। मैं जो भी कलर इसमें अवेलेबल है वो मैं दिखा दूंगी, एंड छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बिंदी, एंड आई एम रेडी। एंड तो कैसा लगा आपको मेरा ये गेट रेडी विद मी, पहला गेट रेडी विद मी? हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हो, कभी मैं कैमरे पे देख रही हूँ, कभी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, मतलब मोस्टली तो मैंने स्क्रीन पे ही देखा है इस वाले वीडियो में, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं था, तो मैं अभी रेडी हूँ बिल्कुल। तो दैट्स इट टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, अब भी चैनल सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को लाइक के बगैर तो जाना मत। और आप ये वाले इयररिंग जरूर ट्राई करना, नजर नहीं हटेगी लोगों की आपके ऊपर से। तो मैं मिलती हूँ फिर किसी प्यारी सी और क्रिएटिव वंडरफुल वीडियो में। आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे मुझे बताइएगा जरूर, और कैसा लगा आपको ये वीडियो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ फिर किसी और प्यारे और वंडरफुल वीडियो में, तब तक के लिए चल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।